नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ताज नगरी के लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। कभी आगरा विकास प्राधिकरण, कभी प्रशासनिक अधिकारी, तो कभी नगर निगम की टीम बुलडोजर चला रही है। सोमवार को नगर निगम की टीम ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची और लोगों को चेतावनी देते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। टीम ने अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को 1 से 2 घंटे का समय दिया। अगर 1 से 2 घंटे में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर के द्वारा अवैध अतिक्रमण ढा दिया जाएगा। आज ट्रांसपोर्ट नगर एंड आरटीओ ऑफिस में हमारे प्रोग्राम में है। पूर्व में भी यहाँ पर अभियान चला दिया था तो सारे अतिक्रमण खत्म कर दिए थे, लेकिन लोगों ने उसकी पुनरावृत्ति करा दी है। शनिवार को हमने यहाँ पे मुनादी कराई थी तो जिसने वॉलेंटियर अपने आप हटा लिया तो ठीक है, नहीं है तो बुलडोजर मेरे साथ चल ही रहा है, उसको हम लोग ध्वस्त करते हुए आगे चलेंगे। अभी कोई टाइम दिया गया है दुकानदारों को हटाने के लिए? जी, शनिवार को हमने यहाँ पे मुनादी करा दी थी। श्रीनगर ड्यूटी में तैनात भद्रौली के सेना के जवान का गांव पार्थिव शरीर पहुंच गया है। बता दें कि श्रीनगर के गुलबर्ग में ड्यूटी में तैनात जवान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से उसका निधन हो गया था। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अमर शहीद भारत माता के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। शहीद के पार्थिव शरीर पहुंचने पर अंतिम दर्शन में पूर्व मंत्री राजा अमरिंदर सिंह और विधायक पहुंचे। फुर्सतगंज में उड़ान एकेडमी के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। प्लेन उड़ा रहा प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल बाल बचा है। स्थानीय पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी के अधिकारी मौके पर मौजूद। फुर्सतगंज के खराना गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सड़क किनारे बेशकीमती सरकारी जमीन खाली पड़ी देख अवैध कब्जेदारों ने 23 दुकानों का निर्माण करा लिया और दुकान चल निकली। एसडीएम फाल्गुनी सिंह और तहसीलदार तिलोई कई थानों की भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर यहां पहुंच गए। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस दौरान बुलडोजर की कार्रवाई देखने वालों की भारी भीड़ रही। इस कार्रवाई से सिर्फ इन्होना कस्बे में ही नहीं बल्कि इस कार्रवाई की भनक जहां तक भी पहुंची है, अवैध कब्जाधारी सख्ती में आ गए हैं। बड़ौद तहसील में कश्यप समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि किशोरी के परिवार को न्याय देने की यहां पर मांग की जा रही है। किशोरी की अस्थियां लेकर धरने में किशोरी के परिजन पहुंचे हुए हैं। पिछले एक माह में नमारा थाना क्षेत्र के गांव में शेष संप्रदाय का युवा कश्यप समाज के एक घर में घुस गया था। आरोपी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की थी। न्याय न मिलने पर किशोरी ने खुदकुशी कर ली थी। इसी प्रकरण में पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन अब भी इस पूरे मामले को पुलिस जबरन खत्म करने की कोशिश कर रही है। बलरामपुर जिले के गौरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों भाई बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राम इंडिया देवा थाना कोतवाली देहात में एक घटना हुई थी जिसमें सगे दो भाइयों को गोली लगी थी जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था। 3 लोगों में से 2 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था 9 तारीख को और 1 को कल हम लोगों ने गिरफ्तार किया है लोहरिया बाईपास से, जिसमें मुख्य अभियुक्त हैं ये सुनील कुमार जायसवाल उर्फ बाबा, ये ग्राम प्रधान भी हैं उस गांव के। इनके कब्जे से जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया है और इन्होंने अपने घटना में संलिप्तता स्वीकार भी किया है। इनको जेल भेजा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की पुलिस ने देहात कोतवाली क्षेत्र में पानी जाने के विवाद के कारण अवैध तबंचे से हुई एक की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। यह हत्या एक ग्राम प्रधान द्वारा की गई थी, जिसमें उसने अपने सगे भाई पर अवैध तबंचे से गोली चला दी थी। घटना में एक भाई के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल है। इस घटना में देहात कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोप में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्राम प्रधान के पास से एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। बिजनौर में एक ब्रश फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। जान जोखिम में डालकर कांस्टेबल जाबिर ने आग को बुझाने की कोशिश की। फैक्ट्री में रखे बने ब्रश जलकर राख हो गए। ब्रश फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। थाना शेरकोटा के कोटरा इलाके का ये पूरा मामला। कुलरिया पुलिस और स्वाति टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो वाहनों की चोरी कर दस्तावेजों के सहारे इन वाहनों को बेच दिया करते थे। पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग के तार नेपाल और आसपास के राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 2 फोर व्हीलर गाड़ियां और 8 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम मोहम्मद इमरान, अरविंद पांडे व अफजल है। ये लोग गोरखपुर व आसपास के जिलों से गाड़ियां चोरी करते थे और उसका पेपर बनवा के और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। इसमें जो इमरान है वो मुख्य रूप से गाड़ी चोरी करता था। अरविंद पांडे और अफजल इसके पेपर बनवा कर इसको बेचने में इसका सहयोग करते थे। कहाँ बेचते थे ये? विभिन्न कार बाजार जो हैं उनमें मुख्य रूप से बेचते थे। लक्सर के पथरी जंगल में शाह मोहम्मद काठा पीर के मजार पर लगभग 853 वर्षों से लगातार उर्स लगता आ रहा है। ये उर्स 5 दिनों तक चलता है। शाह मोहम्मद काठी पीर के मजार पर लगने वाला उर्स प्रसिद्ध है। इस उर्स में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि जो भी इस उर्स में आकर जो भी मन्नत मांगता है, पीर बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस उर्स की पूरी जिम्मेदारी लक्सर उप जिलाधिकारी के पास होती है। इस उर्स में हर रोज हजारों की संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। उर्स को लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त बस किए हुए हैं। काठापीर मेला का शुभारंभ आज से हो चुका है। इसमें हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहां पर किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और श्रद्धालुओं से, स्थानीय लोगों से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मेले में आए, शांति पूर्वक तरीके से मेला संपन्न हो और बहुत बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को लोग इसका इंजॉय करें। वहाँ पर मनोरंजन के भी सारे संसाधन वहाँ पर लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए CCTV आदि की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर की गई हैं। खबर ललितपुर से है, जो एक दिवसीय दौरे पर लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ललितपुर पहुंचे, तो वहीं राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने ललितपुर की तहसील तालबेहर कोतवाली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहीं खुशी कहीं गम का माहौल रहा। कोतवाली तालबेहट के निरीक्षण से संतुष्ट दिखे मंत्री, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट में अव्यवस्थाएं देख नाराज दिखे राज्य मंत्री बृजेश सिंह। संबंधित अधिकारियों को फटकार भी जमकर लगाई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के 18 कमिश्नरियों में 18 कैबिनेट मंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल के समूह बनाए गए हैं। उसी कड़ी में आज मैं अपने जो मेरे ग्रुप लीडर हैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय नंदगोपाल नंदी जी के साथ हम लोग कल से इसी मंडल में हैं।
आज कल हम लोग जालौन में थे और आज हम लोग ललितपुर की समीक्षा करने वाले हैं, ललितपुर के निरीक्षण पर हैं। हम लोग औचक कहीं जा रहे हैं, हमें किसी को बताया नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। यहाँ के अस्पताल को भी मेरी जानकारी नहीं थी, यहाँ के थाने को मेरी जानकारी नहीं थी, यहाँ के खंड विकास कार्यालय को मेरी जानकारी नहीं। मैंने अस्पताल में मरीजों से बात की है और आप लोगों के समक्ष की है। उन्होंने आप लोगों के सामने ये कहा है कि हमें नाश्ता मिला है, हमें भोजन मिला है, हमें पर्याप्त सामग्री मिली है। और यही योगी सरकार का सबसे बड़ा मंत्र है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक किसको कहीं लाभ, जो लाभ उस जिस लाभ के वो हकदार हैं, उस लाभ को सरकार की योजनाओं को हम उन तक पहुँचाएँ। और हम लोग लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि लगातार कोई ना कोई समूह प्रत्येक मंडल में चलता रहेगा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर धारा 144 का नोटिस चस्पा किया गया है। किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। मैनपुरी में थाना बिजवा क्षेत्र में नगला देवी निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरवांश की हमारा लड़का जी, उसकी 35 साल लगभग उम्र है। बच्चे भी हैं? बच्चे, 3 बच्चे हैं। अच्छा, कैसे इनकी डेड बॉडी मिली है, कहाँ क्या कैसे क्या घटना घटी है बताओ। ये शाम को 7 बजे करीब गायब बन गई, तो उनको समर पर हमारी गई थी। हाँ। तो समर पर ने गले में फंदा मार डाल के मार डाला और कढ़ेर के उसे पानी में डाल दिया। पानी में पड़े हुए थे गड्ढे में जी, तो इनके गले में स्टॉल का फंदा मार के डाल दिया था मार के। अच्छा, स्टॉल की जो बात की जाए तो क्या उन्हीं का था ये स्टॉल? स्टॉल गले स्टॉल तो उन्हीं का था। अच्छा, क्या वहाँ कोई दारूबाजी मतलब पौए वगैरह भी पड़े थे क्या? हाँ पड़े थे ना। तो क्या प्रतीत हो रहा है कि पहले दारूबाजी चली है उसके बाद में उनकी मौत? हाँ, पहले दारूबाजी चली है, वहाँ पे कुछ चकना भी पड़ा था। हाँ। जैसे फिंगर तो समोसे भी, समोसे का भी टुकड़ा था थोड़ा। अच्छा, और पानी की बोतल थी। हाँ। 2 गिलास थे। हाँ। साफ जाहिर है कि पहले दारू पिलाई उसके बाद में हत्या कर दी। एसडीएम का बाबू हो तो ऐसा हो, पहले फोन पर धमकी, फिर घर पर जाकर लाठी डंडों से पीटा। मामला गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गांव जसोदा का बताया जा रहा है। मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दबंग एसडीएम का बाबू आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है। गोवर्धन के एसडीएम के दबंग पेशकार लहरेज का धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हुआ है। धमकी भरे ऑडियो के बाद गोवर्धन क्षेत्र गाँव जचौदा में महासंग्राम हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दबंग पेशकार के दर्जनों परिवारों के लोगों ने लाठी डंडे ईंट पत्थर बरसाए हैं। वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 5 जून 2022 की घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी निवासी तुषार शर्मा ने हाल ही में पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे याद में उसके जन्मदिन पर मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी निवासी तुषार शर्मा ने अखबार की वृद्धि से उसका छायाचित्र बनाया है, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं जब इस बारे में तुषार शर्मा से बात की गई तो तुषार ने बताया कि उसे इस चित्र को बनाने में 5 से 6 दिन लग गए। तुषार ऐसे भी पहले कई महान कलाकारों के छायाचित्र बना चुका है और तुषार हमेशा अखबार की रद्दी से ही छायाचित्र बनाता है, जिसको लेकर वो चर्चा में रहता है। सिद्धू मूसेवाले की जो मैंने तस्वीर बनाई है वो भी अखबार की रद्दी से पूरी बनाई है, क्योंकि मैं जो क्राफ्ट करता हूँ अखबार की रद्दी और फेविकोल की मदद से, स्टिक्स पूरी फ्रेम भी उसी तरह से बनाता हूँ मैं। और सिद्धू मूसेवाले जो थे वो सबके दिल के बहुत करीब थे, और इतने बड़े सिंगर और उनके साथ जो वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, और सब बच्चों के दिल में बसे हुए हैं। पूरी हमारी भारत के पूरे मतलब बाहर भी लोग मतलब इतना प्यार करते हैं उनको, और उनकी याद में मैंने, उनका जन्मदिन है उनकी याद में मैंने ये तस्वीर बनाई है, जो कि मैं युवा जो हमारे बच्चे हैं मतलब हमारे साथ के जो हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए, अच्छे से बनाया जाए। ये नहीं कि तुम, मुझे भी सुनने में आया था, मैं पीछे भी क्राफ्ट कर रहा था कि कुछ बच्चे जो हैं मतलब युवा जो हैं उन्होंने सुसाइड किया है, मतलब कि इसको देखते हुए मतलब ऐसे काम ना करें।
पीलीभीत पहुंचे गन्ना एवं विकास चीनी मिल कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही गन्ना भुगतान न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ नोटिस भेजकर जल्दी किसानों का भुगतान करने की कार्रवाई की और साथ ही साथ डीएम पुलकित खरे को निर्देश भी दिए। दरअसल किशोर पर तरबूज तोड़ने का आरोप लगा है। गैर समुदाय की किशोरी ने किशोर से गाली गलौच की है। गैर समुदाय की किशोरी उसकी मां ने मारपीट भी की। किशोर के घर में घुसकर जमकर मारपिटाई की गई है। किशोर के परिजनों ने किशोर पर किशोरी को खेत में खींचकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगा दिया। कोतवाली में किशोरी और उसके परिजनों ने किशोर के खिलाफ तहरीर दी है। किशोर के परिजनों ने पुलिस पर किशोर के पिता को मामले में समझौता करने को लेकर बुलाया है। कोतवाली बीसलपुर इलाके के नगरिया फतेहपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज जिले के घुसपुर थाना क्षेत्र के पिपरवा पूरा मनवाकर में जमीनी विवाद को लेकर दोपक्षों में जमकर मारपिटाई हुई है और गोली चल गई, जिससे एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिपरवा मनवाकर निवासी अभिमन्यु जो कि सूबेदार पटेल को इनके बीच विवाद चल रहा था, जिसमें 12 बोर के तमंचे से उसको गोली मारी गई है। ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों की मदद के लिए बनने जा रहे माधव सेवा विश्राम सदन का शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बाबा रामदेव, संत विजय कौशल महाराज, स्वसेवक संघ के सरकरवाहक भैयाजी जोशी ने किया है। इस दौरान एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्राम सदन के लिए दान देने वाले सहयोगियों को भावराव देवरस सेवा न्यास की ओर से सम्मानित भी किया गया। रुद्रपुर के खेड़ा से मासूम का अपहरण कर परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही टीम ने बच्ची को सकुशल ढूंढ निकाला है और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हम 4:30 बजे से लेके एक कुमारी रिदा है, पुत्री श्री साहिद नवी, रिवासी है खेड़ा का। तो रिदा जो बच्ची है हमारा गुड़िया जो है 4:30 बजे से मिसिंग थी। तो 9:30 बजे के आसपास जो है कोतवाली में, रामपुरा में और कोतवाली में इन्होंने सूचना दिया, तो छोटे बच्ची का मामला था। तत्काल हम गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तत्काल 365 को दर्ज कर दिया था। तो रात को एक सूचना आई कि कुछ अज्ञात कॉलर द्वारा ये बताया गया कि बच्चा इनके कब्जे में है। तो तुरंत हमने इसको बहुत सीरियसली से लिया, हमने विभिन्न टीमें बनाई और सर्विलांस एक्टिवेट कर दिया। तो अगेन सुबह 10:30 बजे हमको एक और कॉल आया वादी को, तो जिसमें वो फिरौती 15 लाख रुपए की डिमांड करी। तो तत्काल हमने विभिन्न टीमें जो बनाया था उसको और एक्टिवेट करा, नेगोशिएशन टीम को भी एक्टिवेट करा। तो मैनुअल सर्वेलांस और इवन टेक्निकल के आधार पर और नेगोशिएशन के आधार पर हमने विभिन्न टीमें बना के विभिन्न भूमिकाओं में हमने लगा दिया। तो इस प्रकार के तीनों दिशा में जब आगे बढ़ते बढ़ते आज जो है दोपहर तक हमने सकुशल जो है अपराधियों तक पहुँच के जो फिरौती मांग रहे थे, कुल मिला के 3 जो पुरुष अपराधी है और चौथा जो है महिला छोटी है वो भी अरेस्ट हो गए हैं। पहले तो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए जो फिरौती मांग रहे थे और बच्चे को उठा रहे थे। अमेठी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार अंतरिक्ष ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने और राहगीरों की मदद से युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार बताया जा रहा है। आपने बचपन में चोर सिपाही का खेल जरूर खेला होगा और इस खेल के भागीदार बने होंगे। वहीं बस्ती जनपद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिस और चोर यही खेल खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर ने दिन दहाड़े कोतवाल की गाड़ी को चोरी कर ली गया। दरअसल सिर्फ युवक को अपने ससुराल में जाना था, तो उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा कोतवाल की गाड़ी ही क्यों ना शान से ससुराल ले जाया जाए। मगर उसकी मनसा को पुलिस ने तार तार कर दिया और ससुराल के बजाय उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। फतेहपुर जिले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग तुष्टिकरण की राजनीति को ग्रहण किए हुए हैं। इस मामले में जो तुष्टिकरण का कार्य चल रहा है और जो दंगा भड़काने की साजिश चल रही है, उसी की मानसिकता साफ है। दिल्ली में जब अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यक्रम होता है तो उसी दिन उसी समय दंगा कराया जाता है।
हमीरपुर में श्रम सेवा योजना एवं समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर हमीरपुर पहुंचे। पहली बार हमीरपुर आने पर नगर प्रदेश वासियों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका में कल्याण जनसभा को संबोधित भी किया है। जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। हरदोई में पेट्रोल कम हो रहा है क्योंकि पेट्रोल यहां लोगों को नहीं मिल रहा है। पेट्रोल का संकट लगातार गहरा रहा है। रविवार रात से पेट्रोल खत्म हो गया है, जानकारी लोगों को मिली, जिसके बाद से अब तक कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल समाप्त हो चुका है। पंपों में दुपहिया चौपहिया वाहन चालक पेट्रोल भराने पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें बेरंग वहां से लौटना पड़ा है। सर, आज पेट्रोल पंप पर कुछ ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, तेल की समस्या बताई जा रही है, संकट किस तरह का संकट है या कब तक की समाधान इसका हो जाएगा? देखिए, कल हमारे शहर में HPC के जो पंप्स थे कुछ, उनमें तेल खत्म हो गया था। तो इस बारे में मेरी बात हुई है संबंधित तेल कंपनियों के सेल्स अफसर से मेरी बात हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज शाम तक HPC के जो पंप्स हैं उन्होंने इंडेंट्स लगा दिए हैं, तो शाम तक इनके पास भी तेल आ जाएगा। IOC और BPCL के लोगों ने बताया कोई दिक्कत है नहीं, तो ये थोड़े बहुत पंप्स हमारे यहाँ हैं HPCL के, उनके पास भी तेल आ जाएगा, तो शाम तक स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। जिला अस्पताल में लापरवाही पर CMS प्रभारी सख्त हो गए। निरीक्षण में गायब मिले वार्ड बॉय को नोटिस दे स्पष्टीकरण मांगा है। अस्पताल परिसर में गंदगी देख साफ सफाई ठेकेदार को फटकार लगाई। प्रभारी CMS का एक्शन देख जिला अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से फरियाद करते समय दिव्यांग जमीन पर गिर गया, बावजूद उसके बिना फरियाद सुने योगी सरकार के मंत्री यहां से चले गए। मंत्री के धक्के से जमीन पर वो दिव्यांग गिर गया है। वीडियो में भी दिव्यांग को लांघते दिखे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पडरौना तहसील के मलकुड़िया का निवासी दिव्यांग बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कन्नौज में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म करने का आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने किशोरियों की अस्मत लूटने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।